सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग को गाइस आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू माइनक्राफ्ट के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं डायमंड। ये हमारी सर्वाइवल सीरीज का दूसरा एपिसोड होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही स्ट्रगल कर एक गांव ढूंढा था और ये गांव बहुत ही अच्छा है। इसके आसपास की मतलब जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई भी घर नहीं है। लेकिन घर से पहले हमारे पास कोई भी ज्यादा आर्मर नहीं है। मेरे पास एक रूइन पोर्टल से थोड़ा बहुत गोल्ड मिला था और उससे मुझे बनाया था एक थोड़ा बहुत आर्मर। तो आज के वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं डायमंड्स, डायमंड की माइनिंग करने वाले हैं और 12-13 जितने डायमंड लेकर आयरन की पिकेक्स और ऐसा कुछ बना देंगे और थोड़ा बहुत ही गोल्ड माइनिंग भी कर हम अपना पूरा का पूरा गोल्ड सूट, गोल्ड मतलब गोल्ड का आर्मर रेडी कर देंगे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फुल माइनिंग। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना अगर लाइक कर रहे हो तो, बाजू में बटन है सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरी जो चीज़ें वो रखवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं माइनिंग में नीचे गया और लावा के अंदर मर गया तो सबकी सब चीज़ें जाएगी। इससे अच्छा सबकी सब चीज़ें मैं अंदर रखवा देता हूँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पिकेक्स, डायमंड की पिकेक्स चाहिए, इसलिए मुझे आयरन की पिकेक्स चाहिए होगी, क्योंकि डायमंड को माइन करने के लिए हमको आयरन चाहिए, आयरन को माइन करने के लिए हमको स्टोन चाहिए और स्टोन को माइन करने के लिए हमको पिकेक्स चाहिए नॉर्मल वुड की। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत मैंने वुड की पिकेक्स और शवल बना ली है, क्योंकि मुझे नीचे जाना है और नीचे जाने के लिए थोड़ी बहुत डर्थ खोदनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही खोदनी पड़ेगी। लेकिन नीचे जो जाएंगे तो ग्रेवल और वैसा सब भी आएगा, तो मैंने पहले से गूगल पर सर्च कर रखा है। तो पॉकेट एडिशन में हमको डायमंड मिलते हैं -64 पे और वाई लेवल 16 यानी कि 16 पे। तो जल्दी से मैंने नीचे तो माइनिंग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने विलेज के पास ये जो माइन है, मैंने ये माइन देखी थी बहुत पहले, पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, बहुत अच्छी माइन है। तो मैंने अभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगा और देखते हैं कि इस माइन में क्या क्या मिलता है। तो अभी यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इसीलिए पहले लाइट लगा लेता हूँ और थोड़े बहुत आयरन मुझे दिख गए हैं। तो आयरन को माइन करने के लिए, अरे यार मेरे पास स्टोन की पिकेक्स नहीं है, तो मुझे पहले स्टोन की पिकेक्स बनानी होगी। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ स्टोन की पिकेक्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, यहाँ पर हमारी स्टोन की पिकेक्स रेडी है और यहाँ पर बहुत सारे आयरन मुझे दिख रहे हैं और सबसे पहले इन आयरन को माइन कर लेते हैं। 5 या 6 आयरन मुझे मिल चुके हैं, इससे हमारे मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें रखवा देते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने ग्राउंड लेवल माइनिंग पे, यानी कि नीचे तरफ माइनिंग करेंगे सीढ़ियाँ बना बना के। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम पहले जा बनाएंगे नीचे का रास्ता, ये मतलब ये दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहले मैं सबसे पहले सब माइन कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बाद में मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब यहाँ पर बहुत सारा कोल था, तो मैंने कोल की माइनिंग कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा बनाऊंगा, यानी कि सीधे सीधे माइनिंग करता जाऊंगा, उसके बाद डायमंड मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही लंबी मतलब माइन खोल ली है, यानी कि लाशें बिछा दी है, लाशें यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा माइनिंग की है सीधे सीधे सीधे। और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या मिला है, मुझे हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का पहला डायमंड दिख चुका है। और यहाँ पर 2 डायमंड तो मुझे दिख रहे हैं, इसके नीचे और हो गया या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक पहला डायमंड, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। ये दूसरा डायमंड नहीं है, बाजू में है 2 डायमंड, ये 3 डायमंड और ये 4 डायमंड। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमारे सर्वाइवल सीरीज के पहले हमको 4 डायमंड्स, मतलब पहले डायमंड्स हमको मिल चुके हैं और इससे हम आराम से आयरन पिकेक्स मतलब गोल्ड नहीं डायमंड पिकेक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर क्या सकते हैं, नीचे ही रहें ना, नीचे ही रहते हैं, माइनिंग करते हैं, थोड़ा बड़ा मतलब डायमंड माइन करते हैं, फिर तो लड़कियाँ यूं के यूं आएगी, नहीं लड़कियाँ नहीं, अचीवमेंट्स, सॉरी मुंह से निकल गई। यहाँ पर बहुत सारी और भी माइनिंग कर ली है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यूँ साइड में भी माइनिंग कर लूँ, कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ, आपको लगता होगा भाई ऊपर क्यों आया, तो मैं दिखाता हूँ ऊपर मैं क्यों आया, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। ये सब मैंने रखवा दिया, बस ये रखने के लिए ऊपर आया था, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं मर गया तो भाई सारा का सारा डायमंड जाएगा।
लावा में मर गए तो भी डायमंड जाएगा, और अगर किसी जॉम्बी ने मार लिया तो वो भी शायद डायमंड हाथ में पकड़ ले, किसको पता। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी सबका सब खोद देता हूँ, और खोदने के बाद और भी डायमंड ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हो सके तो 10 से 12 डायमंड्स तो मुझे लेके जाने हैं आज के दिन में। या तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपना खोदम खोदी, मतलब माइनिंग। सालों कुछ और मत समझो, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे पे। तो यहाँ पर माइनिंग शुरू करते हैं। आपको बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन आई एम सॉरी ब्रो। तो यहाँ पर फिर से स्टोन आ चुका है, और स्टोन माइनिंग करने में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा आता है, मुझे क्या पता अभी मज़ा आता है। तो यहाँ पर माइनिंग करते करते काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक डायमंड नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मतलब खोज जारी रखते हैं। आयरन भी नहीं मिला ज़्यादा, और डायमंड भी नहीं मिला, उसका बहुत दुख है। लेकिन गोल्ड भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सूट बनाना है और गोल्ड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओ मिल गया डायमंड, दो डायमंड मुझे दिख रहे हैं, नीचे भी डायमंड। ओ माय गॉड, नीचे भी डायमंड है, मतलब 4 डायमंड तो मुझे यहीं पे दिख रहे हैं, और ऊपर आसपास शायद कोई हो तो मुझे पता नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4 हमारे पास पहले से 4, और ये 4 यानी कि 8 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं। और मेरे पास आयरन के पिकैक्स नहीं है, तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको। तो ये मैं लेके आ चुका हूँ, ये हमारा पहला, मतलब 5वां 6वां, ये 7वां, इसके पीछे भी है 8वां, और ये 9वां डायमंड, और इसके पीछे नहीं है कुछ, नहीं इसके पीछे कुछ नहीं है। 9वां डायमंड मिले हमको यहाँ से, मतलब 5 डायमंड यहाँ से मिले, 4 डायमंड पहले के, यानी कि हमारे पास अभी इन टोटल 9 डायमंड्स है। और 9 डायमंड से हम शायद आधा आर्मर बना सकते हैं, लेकिन मैं आर्मर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको बनाने में हमको डायमंड लगता है, और उस चीज़ों के लिए हमें बार बार डायमंड ढूंढना ना जाना पड़े, इसीलिए हम मतलब अभी इसे ही ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी ना ऐसे आसपास भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि पता क्या पता आसपास में भी कभी निकल जाए, क्योंकि अगर टुक्का लग जाए तो फिर क्या पता। तो यहाँ पर मैं खोदता हूँ, ओ माय भाई साहब, यहाँ पर टुक्का लगा रहा था और यहाँ पर डायमंड निकला है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 2 डायमंड तो मुझे दिख रही है, और यहाँ पर 2 डायमंड तो मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पर पीछे भी 1 डायमंड है। तो यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 3 डायमंड यहाँ पर और आ चुके हैं, और सिर्फ 3 ही आए, मतलब पहले के 5 और अभी के 3, यानी कि 8 डायमंड, और हमारे पास पहले से 4 डायमंड थे, यानी कि हमारे पास टोटल 12 डायमंड हो चुके हैं, और इससे मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो 12 डायमंड के साथ मतलब लगभग 1.5 घंटे की मेरी जो है ये रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, और 1.5 घंटे में मुझे 8 डायमंड मिले हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो बस आसपास में टुक्का लगा रहा था कि शायद मिल जाए, लेकिन ये तो सच में मिल गया, कोई बात नहीं। तो अभी ऊपर चलते हैं और सारे टूल्स बनाते हैं, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और मेरे सामने एक प्यारा सा पपी है, मतलब डॉग है। मैं इस डॉग को पालना चाहता हूँ, लेकिन अभी शायद ये टेम हो जाए तो अच्छा है, दो मेरे पास बोन है। तो यहाँ पर ये अगर दो में टेम हो जाए तो यहाँ पर दोनों के दोनों खा गया, लेकिन टेम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरे पास थोड़ा बहुत रॉ फूड होगा, तो उससे मैं इसको शायद टेम कर पाऊँ। तो देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा रॉ फूड है, तो रॉ फूड ले लेते हैं और इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। टेम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या ही कर सकते। तो ये रहा हमारा कुत्ता, हमारा मतलब हो सकता है कुत्ता, तो इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। और गाइस, यहाँ पर जो ऑप्शन है खिलाने का, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं इसके सामने देखता हूँ तो यहाँ पर टेम करने का ऑप्शन आता है, लेकिन ये अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। और अभी गलती से अगर लग गया तो भाई ये मारने लगेगा मुझे, अरे देखो मारने लग गया, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है, मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा था, और मैंने सोचा कि इसको अगर मारने जाऊंगा तो शायद खा जाएगा, लेकिन अभी इसको मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको नहीं मारा तो लाइफ टाइम वो मुझे मारता ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं, अब अपना आर्मर जो है वो पूरा करते हैं। मेरे पास 8 रॉ गोल्ड है और 12 डायमंड्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्मेल्ट करने रख देता हूँ गोल्ड, और बनाता हूँ अपने पिकैक्स पहले डायमंड की। दूसरे ही एपिसोड में हमने यहाँ पर डायमंड की पिकैक्स बना ली है,
और नेक्स्ट एपिसोड में हम अपना घर बनाने वाले हैं, और यहाँ पर मेरी डायमंड की पिकेक्स जो है वो रेडी है, और यहाँ पर 9 डायमंड और भी है, तो 9 डायमंड जो है मैं बचा के रखने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा बहुत और भी गोल्ड है, तो इससे मैं पूरा का पूरा गोल्ड का सूट बना लेता हूँ। अभी मुझे चाहिए एक हेलमेट, और हेलमेट के लिए मेरे पास इनफ गोल्ड है शायद, और देखिए हेलमेट के लिए चाहिए 5 गोल्ड मेरे हिसाब से, देखिए 5 गोल्ड चाहिए और मेरे पास 5 गोल्ड ही है, तो यहाँ पर बहुत ही राइट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 5 गोल्ड कलेक्ट कर हम बना लेते हैं अपना पूरा का पूरा आर्मर सूट। यहाँ पर हम पूरे के पूरे आर्मर सूट हमारा रेडी है। दूसरे एपिसोड में हमारे पास गोल्ड डायमंड की पिकेक्स भी आ चुकी है, और हमारे पास फुल डायमंड आर्मर भी हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करने में ना ज़्यादा देर नहीं लगती, बस वीडियो को ऐसे नीचे करना है और एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगली वीडियो में हम इस सीरीज का बनाने वाले एक बहुत अच्छा घर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।